कैसे आप लोग देखिए, कल आपका मैच नंबर 37 मुंबई वर्सेस एलएससी के बीच खेला जाएगा, ठीक है। अभी वाला मैच तो एकदम डेड हो गया आपका, अभी अपडेशन नहीं है आपके पॉइंट टेबल में। एसआरएस ने भून के रख दिया आपका आरसीबी को, और बहुत ही अच्छे नेट रन रेट से वो ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। तो इनका 8-5 हो गया है, और इनका अभी यहाँ पे 7-5 हो गया, जिनको किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। एसआरएस ऐसी टीम थी, एसआरएस और गुजरात का किसी को कोई उम्मीद नहीं था, बट दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया अभी तक। फिर भी मैं आपको एक बात याद रखिएगा, मेरी ये पॉइंट याद रखिएगा, जो टॉप की 4 टीम है, अब ये हाफ स्टेज पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब ऐसा होगा कि इन चारों में से एक या दो टीम सारा मैच हार के नीचे में आ जाएगी, ये हर साल होता है लगभग। अगर आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करोगे तो, मतलब जो होता है वो होता है, एक टूर्नामेंट नहीं, मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में आप देखोगे। और जो नीचे की 4-5 टीम है, 4 टीमें हैं इस बार तो 5-5 है, इसमें से कोई टीम कंटिन्यूस जीत के ऊपर में आ जाएगी, ऐसा होता है। अब वो कौन सी टीम है, एक दो मैच जीतेगी तो अपने को समझ आ जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में आपको रखने हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जैसे आपने आज ही देखा कि जो 23 अप्रैल को आरसीबी ने शायद 2017 में कुछ बहुत कम रन पे ऑल आउट हो गए थे, आज भी वो ऑल आउट हो गए बहुत कम रन पे। तो हिस्ट्री रिपीट होती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। चलिए, ये सारी चीज़ मतलब मैं अलग तरीके से आपको सोचने का मजबूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैच वही अपना वानखेड़े में, लास्ट मैच में भयंकर रन बने थे आपका 222 रन को जो आरआर ने बना दिए थे। तो पिचेस कोई भरोसा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए एवरेज स्कोर 160 पर बन गया था, कितना 222 रन, तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। वो अभी भी वाले मैच में भी इजी पिच पे आप बोल सकते हो 68 पे ऑल आउट हो गई। तो ये सारी चीज़ें इधर भी, तो आईपीएल वगैरह में तो मैच टू मैच ये सब पिच रिपोर्ट कुछ काम की नहीं रहती, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। एक इनिंग वेट कर लीजिए, रिलैक्स रहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। देखिए मैच है आपका लखनऊ और उसके बीच में, तो लखनऊ की टीम में देखिए कोई कमी नहीं है, लास्ट मैच में वो हार के जरूर आ रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता इस टीम में कोई भी चेंजेस होने की जरूरत है। बट मेरे को ऐसा है कि दीपक हुड्डा को थोड़ी ज्यादा बॉलिंग दी जाए, जैसा मैंने आपको बोला था कृणाल पंड्या को इनको बॉलिंग देनी चाहिए, और अब ये बॉलिंग दे रहे हैं। तो ये दोनों से अगर ये 4-4 ओवर करा लेते हैं, स्टोइनिस भी एक अच्छे बॉलर है, ऐसा नहीं, स्टोइनिस तो पहले फिनिशर बॉलर थे, मेरे को याद है आखिरी ओवर करते थे। तो स्टोनीज भी अच्छे बॉलर हैं, बाकी इनके पास 3 मेन बॉलर्स हैं, जेसन होल्डर भी बॉलिंग करते हैं। मैं फिर आपको वही सारी चीज़ रिपीट करता हूँ, मेरे को इतने सारे बॉलर्स कहीं भी पसंद नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों के एकदम अगेंस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ एक प्योर बैट्समैन आ जाए, जिसकी वजह से आपकी आप बोल सकते हो, जैसे देखिए मैं नहीं बोल रहा था उस्मान चमीरा खराब है, बट क्या इनकी ज़रूरत है टीम में, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आप एक बैट्समैन ले लीजिए बाहर का, कोई एक अच्छा बैट्समैन अगर आपके पास है तो आप उनको खिला लीजिए, एविन लेविस को खिला सकते हैं ये, ठीक है, एविन लेविस को खिला सकते हैं। मेरे को देखिए जो लगता है, सीधा लगता है मेरे को, अपना अपने थिंकिंग सोचता हूँ। आप देखिए अगर मान लीजिए एविन लेविस को खिलाते हैं उस्मान चमीरा की जगह, तो इनके पास एक लेग स्पिनर हो गया, देखिए सब चीज़ काट देता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट रख रहा हूँ। एक लेग स्पिनर हो गया, एक लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हो गया, एक अच्छा ऑफ स्पिनर हो गया, दीपक हुड्डा कोई खराब बॉलर नहीं है, ठीक है। तो आपके 3 स्पिनर हो गए, आपके एक फास्ट बॉलर हो गए, आपके 2 फास्ट बॉलर हो गए जेसन होल्डर, तो 5 बॉलर तो आराम से हो गए आपके पास। इसके अलावा मान लीजिए आपको जरूरत पड़ती है, आप मार्कस स्टोइनिस को दे दीजिए बॉलिंग, ये भी बॉलिंग करते हैं, आयुष बदोनी भी सुना गया है कि हाँ ये बॉलर है, तो ठीक है आपको नहीं देना मत दीजिए, बट एटलीस्ट 5 बॉलर तो हो ही गए, 6वां बॉलर भी हो गया, आपको और कितने बॉलर चाहिए मेरे को नहीं समझ में आता, ठीक है। मतलब जो भी है मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छे बैट्समैन आ सकते हैं, एविन लेविस ने मैच भी जिताया था आपका, ठीक है, आपका मुंबई के साथ, किसके साथ, चेन्नई के साथ, भयानक मार के। तो मैच विनर्स तो देखिए आपके बॉलर ही होते हैं, बाकी आपकी मर्जी, इनको जो करना है करिए, टीम में कमी नहीं है, अच्छे अच्छे इंडिया के प्लेयर भी हैं और बहुत ही अच्छी टीम है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट टेबल में थोड़ा डाउन है, हम अगर पॉइंट टेबल में उठा के देखें तो किधर है ये, 7 में 4 जीते हैं, अब अगर ये हारेंगे तो इनकी हालत ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है। तो मुंबई सारा मैच हार चुकी है, अब यहाँ से क्या क्वालिफिकेशन के चांस है, हाँ है, 7 में 7 आप हार चुके हैं, 7 में 7 अब आप जीत जाइए, ठीक है। मुंबई ने शायद लास्ट टाइम को जैसा 5 में 5 जीत करके किया था, पर 7 आउट ऑफ 7 इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट अभी भी मेरे को मालूम है कि ये किसी भी बेंच स्ट्रेंथ को मौका नहीं देंगे, आज अगर हार जाएंगे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, हालांकि ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, पर फिर भी मैं अभी भी आपको रिपीट करता हूँ, जो 4th नंबर की टीम होगी, जो ये आपको 4th नंबर पर मिलेगा, यहाँ पर जो भी 4th नंबर पर रहेगा वहाँ पर 7 से ऊपर नहीं होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, ये जो रहेगा वो 7 ही रहेगा। आप देख लीजिएगा इस बार 10 टीम है, फिर भी वही ट्रेंड चलेगा, यहाँ जो 7 जीतेगा नेट रन रेट के हिसाब से वही जाएगा टॉप 4 में, क्योंकि एक टीम को वो लगेंगे सारा मैच हरवाने, ठीक है, ऐसा होगा। आप देखिएगा टीम में कमी बहुत सारी है, इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को हटाया, आपके राहुल चहर को हटाया, इनके हार्दिक पंड्या हट गए थे, तो टीम कमी होनी ही थी। और मेरे हिसाब से अननेसेसरी कुछ ऐसे प्लेयर्स पे बिलीव करना जो नए नए आए हैं, ठीक है, खिलाड़ी होंगे बट मैच विनर्स बहुत कम होते हैं। देखिए मैच विनर अलग होता है, खिलाड़ी अलग होता है, ठीक है। 20 बॉल पे 40 रन बहुत से लोग बना सकते हैं, ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप डैनियल सैम्स को भी कभी ऊपर भेजते हो ना, तो वो भी आपको 20 बॉल पे 40 बनाते दिख सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आएंगी और ना ही मैं समझाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था टीम में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं और वो आपको दिख गई अननेसेसरी। आप मेन मेन बॉलर्स को हटा करके पता नहीं किसको किसको लिए हैं, और ठीक है इनको खामियां जब भुगतना था, सीधी बात है, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार को 3rd पे आना चाहिए, पोलार्ड को 4th पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी टीम होनी चाहिए, बाद में नीचे फालतू प्लेयर को आप भेजिए, बट वो पूरा खत्म ही हो गए एक तरह से, ठीक है। अभी हार ही रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले भी बोला, एक जो मेरा एक फॉर्मूला है, जो टीम हारती है हमेशा आती है, अगर जीतती भी है तो आपका काम कर जाएगी, ठीक है। तो यही है, इनकी टीम में ऐसे कुछ खास कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। अभी आपको और हारते हुए ही मिलेगी, देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे बेसिल थम्पी को स्टार्ट में इन्होंने इतने मौके दिए, पता नहीं कौन बॉलर है, मैंने तो ना तो इसको डोमेस्टिक में परफॉर्म करते देखा, ना ही इनकी शुरुआत में, इतना फोड़ा रहे थे कि एक ओवर में 20-20 रन दे रहे हैं, तो सेंस नहीं बनता। संजय यादव को अभी तक इन्होंने नहीं खिलाया, अरे बाप रे बाप, मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई किस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं काम। संजय यादव का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ,
अरे भाई मौका तो दो, जैसे ललित यादव को मौका मिला तो इन्होंने परफॉर्म किया, आप संजय यादव को मौका तो दीजिए, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे इन लोग को, स्पिनर से क्यों इतना डर लगता है मेरे को मालूम। देखिए ऋतिक शौकीन ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, इंडिया का ग्राउंड है भाई, इंडिया के प्लेयर को मौका दो, बाहर के टीम डेविड को इन्होंने हटा ही दिया। अरे भाई टीम डेविड को इतने मोटे में लिए आप, 14 के 14 मैच खिलाते तो एक दो मैच आपको प्योर चेस करा देते, वो इतने बड़े हिटर हैं। तो इनका समझ से परे था ये सारे अननेसेसरी 50 बॉलर लेके खिलाना, अंडर यूटिलाइज करना सारे प्लेयरों को। देखिए मैं एज ए कैप्टन मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये टीम है तो कितने बॉलर होगा, 1 2 3 4 5 6 तुलक वर्मा कर सकते हैं, 7 देवाल ब्रेविज भी अपने डोमेस्टिक में 4 ओवर फेंकते हैं पूरा, मतलब पूरी टीम बॉलर से भरी पड़ी है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है आपको सेलेक्टेड 5 बॉलर से 6 बॉलर हो बस काम खत्म है, इतना आप क्यों सोच रहे हैं भाई। T20 है, 4 ओवर में कितना बंदा फोड़ा जाएगा, 50 रन फोड़ा जाएगा, बस उतना ही है ना, वो बैटिंग में रन बना के आपको दे देगा। पर इतनी फालतू की हो गई इनकी टीमें, ठीक है। तो ये सारी मेरे ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो टीम में कुछ होना जाना नहीं है, देखिए बहुत बहुत सी कमियां हैं मेरे से अगर पूछोगे, अगर आज भी मैं जानता हूं मैं तो हटा दूंगा, सीधी बात है मेरा जो है वो है, सीधी बात बता रहा हूं आपको, ये सब मेरे को एकदम पसंद नहीं है। बाकी ये ठीक है, अब इन सब की जगह अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं टीम डेविड को खिलाऊंगा, संजय यादव को खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों तो खेलेंगे मेरे, ठीक है। अभी दो एक और बाहर का कोई खिलाड़ी मैं खिला सकता हूँ, इनके पास प्लेयर ही नहीं है, कैसे सिलेक्शन हुआ है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई बैट्समैन ही नहीं है बाहर का देखने में मिल रहा है। तो कुछ होना जाना नहीं है, देखिए ऐसे में भी इनको अच्छा ही मौका मिलेगा, आपको मैं बताऊंगा, मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन रहिएगा। तो छोड़िए इनका सिलेक्शन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, आज देखते हैं, आज देखिए सचिन तेंदुलकर हमारे द ग्रेट द गॉड सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, और आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि शायद अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिल जाए, ठीक है। अर्जुन तेंदुलकर आज आपको खेलते मिल जाए जयदेव नाटकट की जगह या तो किसी की जगह भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है और मे भी आज वो डेब्यू करते मिल जाए, ठीक है। ओवरऑल यही बोलूँगा, अब आपको सारे मैचेस में इनके अगेंस्ट ही रहेंगे, आपका काम हो जाएगा, बट आज का मैच अपन देख लेते हैं, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, तो आज के दिन में जैसे अगर आपको कोई चाहिए कि कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो पिटाई वाली ही पिच है, ये अच्छा परफॉर्म आपको करते मिलेंगे आज के मैच में भी, और बाकी क्विंटन डिकॉक ड्यू है बहुत बड़ी पारी खेलने से, बाकी दीपक हुड्डा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। बाकी अगर आप इसमें बात करें तो इन दोनों में आज कोई बहुत बड़ा इनिंग खेल सकता है, ठीक है। रोहित शर्मा ईशान किशन ड्यू है, सचिन द गॉड का बर्थडे है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है आपको मुंबई इंडियंस का। फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। डिस्क्लेमर, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।